परम सत्कारी गुरु जगत शक्ति मालक धन धन सतगुरु ग्रंथ साहिब पातशाह पावन मजदूर पर बैठे आप सत्कार योग सत्संग जन्म के प्यारे बच्चे सारे सांझ करो वाहिगुरु जी का खालसा समाज के हालात इन लगता है जिम्मे साड़ी अपनी कहानी जी पेश करती साड़े हो गई है बहुत वाली उपराला है गुरमत प्रचार की परंपरा का जेडे हर साल इतनी कैंप जो लगाते हैं ताकि इर्द गिर्द इलाके के जो बच्चे है उन्होंने असं गुरमुख की विद्या दे सकी समाज दुराइया जी उन्होंने बचा सकते देखो किसी का धी पुत गलत कदम चुकता ना जब जे किसी का बच्चा नशा कर लग पाता है तो जिंदा करता है परेशानी दिक्कत उसे होती है दुख उसे होती है जे किसी की धी गलत कदम चुकती है फिर उस परिवार को उजड़ना नजर आता है गलता खादा बन जाता है ये थान पर थान उठ के आए गए जो थोड़े नगर में कैंप ला रहे हैं कोई फिरोजपुर इलाके को आया कोई फाजिल के कोई सुरूर तो कोई तरन तारण डिस्ट्रिक्ट को आया है अलग अलग इलाकों से आके थोड़े नगर में कैंप लाया इन्हों की लड़ पी है बच्चे नशा करते थोड़े घर में इन्हों की परेशानियां क्योंकि दूरों आके धूप तेज गर्मी जी जल रहे हैं सह रहे हैं इन्हों की लड़ पी है जो किसी की धी गलत कदम चुकी है चुकी जाए उसी इन्होंने की लगने दसो इस इलाके में तुम हो थोड़ा फल बनता सबना का भी जे इतों के लोग इस बीमारी के फसे हुए ने तो इन्हों की परेशानी नहीं ये तो दूरों आए थे कुछ भी आए थे हाँ पर सारे जाने अपने दिल च दर्द लैके आए हैं कि जिथे भी पंजाब कोई वसदा है पंजाब साडा अपना घर है असं जिन्ना चिर तक अपना पंजाब पूरा असं अपना घर नहीं समझा कि उन्ना चिर तक असं सुधार वाले पास जुड़ते देखो एडी दूर दूर तो आए सारे जाने बड़े बच्चों के नाल सोहनिया गल करके किमें घर के हालात खराब होने नजर आ रहे रोजाना उन्होंने सुधारने की कोशिश करते भी साढ़े घर के रिलेशन जो है ना सही बन सकते एक प्यो पुत की नहीं बनती भरा भरा की नहीं बनती धी मां की बन रही नौ सस की नहीं बन रही घर के हालात बन गए बहुत हालात कि साढ़े घर के जिन्होंने कहते सर कि सिक्खी के घर जोड़े जो धर्मशाल हो गए जिसे सिख वसदा हो गए अज नर्मा के समान हो गए शेर तो लैके शाम तक लड़ाइया चलिए तो कई कुछ उसे बनया होया और शेर तो लैके शाम तक एक जिनू वेखन के लोग जो ना अपने परिवार के मैंबर जोड़े गुस्सा लगे एक मौके लग गया एक कुछ सामने आ गया योजे हालात हो गए एक समा हों जो कोई रिश्तेदार आना साढ़े घर में होते ये अपन की गल है कोई रिश्तेदार आना घर में तो परिवार वाले ने कहना कि तू दो दिन रहा चार दिन रहा अपने मन में सोचना भी ये चार दिन रहेगा क्या गल मारा कोई भूआ आ जाती कहता मामा आ जाता कहता ताया आ जाता कहता फुफड़ा आ जाता कभी कोई आ जाता हूँ हालात वही रहे हूँ तो साढ़े घर के फ्रिजा के आटे गुने भी पे होंगे दो तीन दिन का कट्ठा ही आटा गुन के रखा होंगे फिर भी अंदाजा होंगे भी जाना होना नहीं खड़ी उदों घर भावें आटा खाने ना हो भावें रोजाना ही कमाई करके लिया के आटा बढ़ना पैदा हो परिवार के प्यार रिश्तेदारियों के प्यार से अज अपने जोड़े सब जो भटे लगते हैं कि दिहाड़ी ना साढ़े घर कट जा सब बहना है ना पै जाए इन्हें को ज्यादा असं जोड़े आ खुद गर्ज हो गए असं भी कैंप जो स्कूल में कैंप लाया से पिछले साल भी मैं इसी जगह से आया मैं बड़ा हैरान होया उस जे राह लंघ नहीं रहा उस राह कलोनी पैदी सी उस कलोनी का नाम फ्रेंड्स कलोनी असं गलबात करते सोचा पे गया कलोनी का नाम क्या फ्रेंड्स कलोनी देखो आप बोलते नहीं होगी ये नाम फ्रेंड्स कलोनी है पर आप जान गुआ के नाम नहीं जानते हो कौन कितों रहा की ना है ला कि बच्चा है योजे रात ने नाम फ्रेंड्स कलोनी रखा भावे अं आपके फेसबुक से वट्सअप से सारे पता नहीं किन्ने दोस्त मित्र ने सारे सोशल मीडिया में जुड़े हुए पर अपने सारे जाने पर जाने वो भी इन्ना ही जोड़ने वाले
हर कोशिश असं यही करनी है कि असं अपने समाज को बचा सकी। सारा एक मकसद है कि असं पंजाब इन्वायरमेंट है इतने बच्चों को सिखाया जाता कि तुम आला दुआला कभी साफ रखना, आले दुआले कोई लिफाफे नहीं, गंद नहीं पाना, सुटना नहीं, किमें पानी करनी है, क्योंकि आने वाला समा जोड़ा है ना वो बहुत भयंकर आ रहा। इस पंजाब जे असी आह बूंद बूंद को ना बचाया इसी बूंद बूंद को असं आने वाले थोड़े समय दसागे यही एक मंदी हालत हो रही है। आने वाले जो मेकर है अंकड़े ने ना वो दस रहे हैं कि 2030 तक पूरे पंजाब पीने वाला पानी नहीं बचेगा। देखो निकलेगा हम आस मानसे इलाके कैंप ला गए हैं, बरूद इलाके 1400 फुट डूंगे बोर नहीं, उन्होंने पानी पीने वाला नहीं है। असं बठिंडे इलाके कैंप ला गए हैं, उन्होंने इलाके भी पानी मोटर का नलके का तुम मूँह रख नहीं सकते, इन मंदी हालत हो गई है, इन्ना को गंदला हो गया है। और अज इन्हों को पानी बजाना ही हर साल ही थले जाता वो कारण असं भी कितने बनते जो थोड़ा खराब कर रहे हैं, तो सरकार कर रही ने दसो मेरे उदो ब्रश करते होंगे सारे जाने टूटी खुली छड़ी है उदो मुँह ब्रश करते करते पता नहीं किन्ने बाल्टियां पानी दिए वाश बेसिन निकल जाए। असं भी कभी ध्यान नहीं होता भी पानी कितना कीमती है, ये साडा जान सानू बख्शदा है, पानी दिन दिंदा है, असं इतनी बचाई गवाई जाने। और हवा के इन्ना कुछ मैं थोड़े दिन पहला यूरोप के टूर तो आया, मैं गल याद है कि मैं कह कि जमा के दर्शन हो जाए आ जी बच्चों जी गल मजा है ना सामने कहते भी वाह पता नहीं कहूँ मिलने नाम आना पता नहीं कहीं मिलने वो टाइम आ गया थोड़ा मैं नाम ही अनाउंस करने वाले उन्होंने बच्चों ने आके नाम ले लेने मैं एक गल करके उन्हें इलाज कर लेना। मैं गल कर रहा सर थोड़े दिन पहला यूरोप के टूर पर उसे मैं देखा अलग अलग हर एक देश में मैं 15-16 कंट्रियां घूम के आया, हर एक देश में अलग अलग बोली है और लोग अपने पूरे देश प्रति इन्ने वफादार ने। मैं सुरगार जर्मन के किसी के घर रुकया हुआ उसे जिन्होंने घर रुकया उन्होंने रेस्टोरेंट के 2-3 रेस्टोरेंट से उपर घर उन्होंने थले रेस्टोरेंट से असी कथा करने वास्ते जाना गुरुद्वारा साहब के तैयार भी होकर मैं गड्डी चाल के बैठ गया, बाहर स्नो पई हुई सी बर्फ पई सी तो संतोख सिंह होनी थोड़े नेड़े गढ़ सेंटर नेड़े वो गड्डी चाण के बैठ गया, बैठ के मैं गड्डी स्टार्ट कर ली। सारी पंजाबियों की आदत होती है भी गड्डी स्टार्ट कर ली, 5-7 मिनट गड्डी स्टार्ट रहने देने, ठंड का समा गड्डी गर्म हो जाएगी फिर थोड़ा नहीं। अंदर एक बोरा निकलिया वो रेस्टोरेंट काम करने वाला नौकर निकलिया, वो निकल के कहता कि गड्डी बंद कर, उन्हें पूछे भी कहदे वास्ते, जर्मन भाषा की गलबात कर रहा सवेर का, कहता भी गड्डी बंद करो, कहता कहदे वास्ते, कहता जा तो गड्डी बंद करो जा चली जाओ, जे नहीं जाओगे मैं पुलिस गल कर लगा, मैं बुला लग्या। वो आपस में थोड़ा जहा गर्मो गर्मी हो गई, मैं हमेशा कहता मैं कह की रहा मैं तो समझ ही नहीं आ रहा जर्मन तो मैं आती नहीं, वो कहता गड्डी बंद करने वास्ते कहता जा कहता जो करो जा मैं पुलिस गल कर लग्या, ये मेरा नंबर हो गया मेरे को हम झाड़ता। मैं क्या भी कहदे वास्ते उन्होंने पुछ कहदे वास्ते, अगर पता की जवाब था उस बोले ने, वो कहता तुम 2-4 मिनट इतने खड़े रहोगे गड्डी का जोड़ा हालांकि हाई बड़ी वधिया गड्डिया उन्होंने को वर्षगी गड्डी से वो कहना धुना पिछड़ों की कटेगी पोल्यूशन तो साड़ी इस हवा के पोल्यूशन पड़ेगा, तो जो तुम तुरना उन्हें जाना जाना पर खिला के क्यों तुम इतने पोल्यूशन खिला रहे। वो अपने देश बारे इन्ना सुन रहे हैं कहता जा तो बंद करो जा इन्हू तोर, पर असं अंदर धुंध जरा पोल्यूशन जमें पराली साड़ साड़ के उस भी असी किन्ने लागे वाले फैक्ट्रिया के किन्ना कुछ सोचते भी साडा इलाका जरा डिवेलप हो रहा पर साढ़े जड़ी तेल दिता जा रहा हूँ, कि फैक्ट्रिया का गंदा पानी इन्हों दरियाओं में पा के पानी भी गंदा किया जा रहा। सोशल मीडिया तुम देख रहे हो कि ब्यास दरिया के भाड़ा लग रहा 80% उसे जीव जड़े मर चुके हैं, तो आ 500 मिलियन लीटर पानी एक महीने के लुधियाने दिया फैक्ट्रिया है ना इस सतलुज दरिया के गंदा पानी जो कैमिकल वगैरह जोड़ा इतना ही थले मतलब दूसरे जीता जाता है लागे लागे जो पिंड ने उन्होंने पिंडों के नलके जोड़े वो सीधा ही कैमिकल बाहर कभी जाते हैं। पटियाली एरिए पिंड है असं कैंप लगा गया उस पिंड बहुत सारे बच्चे जोड़े से जेड़े दिमाग करके पाए, कुछ बच्चे इसलिए शरीर करके पाए बहुत ज्यादा उस पिंड के लागे लागे हुए एरिए असं कैंप लगा चले गए। मैं बड़ा आराम है कि इस इलाके की होया तो कोई पिंड वाला सोची जाता सी भी इतने साडे पिंड की कड़ोपी हो गई है साढ़े पिंड के बाबे ने सू शराब देता शायद सारे बच्चे ना इदा हो गए, जो उ देखिया समझिया कुछ
सियाने बंदियां ने पता लग्या कि जिहड़ा पानी इहदा गंदा है, पानी गंदा होण करके इहदा लोक बीमारी नाल मरी जांदे आ, ते जिहड़े बच्चे आ उन्होंने दिमाग ते उन्हां दे शरीर जिहड़े चंगी तरह विकास नहीं कर पाउंदे, उत्थे जमे जिहड़े बच्चे पानी माड़ा होण करके। असीं उसे वेले फोन कीता कैनेडा दे विच, टोरंटो दी गल है, उत्थों दे वीरां ने उस वेले पुछिया वी किन्ना खर्चा आ रिहा सी, कहिंदे वी असीं आरो ला दिंदे वड्डा सारा तां कि लोकां नूं चंगा पानी मिल सके। उत्थें 6 लाख रुपए का आरो जिहड़ा है उसी वीरां ने अपने उस लगवा दिता। ऐसे कई परिवार ने जिहड़े मदद करना चाहुंदे आ, साडी कोशिश इही है कि असीं इस पानी नूं जिहड़ा उहनूं बचा के रखीए। साडी जान है, जिंदगी है पानी, इह ना होवे कि उहनां ने जिहड़ी पीढ़ी है साडी उह बूंद बूंद नूं तरसदी रहे। असीं बचाउणा है। और जिहड़ी मैं गल दूजी कर रही सी, बेनती है कि साडे पंजाब दे विच असीं पंजाबी बोली तो पछा होते जाने, असं कैंप लाने देखते ना बच्चे टेंथ वाले, प्लस टू वाले, दसवीं वाले, बारहवीं वाले बच्चे या नौवीं दसवीं, इन्ह बच्चों को भी पंजाबी चाहते ना नहीं आते। तो जे रिजल्ट आ दसवीं रिजल्ट जो निकले आ, वो दसवीं रिजल्टों में भी 27,659 बच्चे जोड़े आजादियों कुछ फेल थे। ऐलकों का रिजल्ट जोड़ा पंजाब सिक्ख्या बोर्ड का इन्ना ज़्यादा माड़ा निकलिया, अंधी हालत साढ़े लोगों की है। असं सोचते भी शायद इन्होंने आईलैट्स करा के या इंग्लिश सिखा के इन्होंने बहरले देशों में सैट कर देना, सानू की लोड़ नहीं है पंजाबी सिखाने की, सीखने की अगर वधिया वधिया स्किलों ने बच्चों को पढ़ना। मैं नहीं कहता कोई भाषा सीखो ना, सीखनी चाहिए। मैं नहीं कहता कोई इंग्लिश सीखो ना, सीखनी चाहिए। पर यह मतलब यह नहीं कि असं पंजाबी बोली तो गुरमुखी बोली तो साड़ी आम बोली तो इच्छा हो जाए। मैं यूरोप गया, हर एक देश एक अलग अलग भाषा, जर्मन जर्मनी बोली जाती है, इटली जगाना बोली जाती है, पुर्तगाल पुर्तगेशी बोली जाती है, स्पेन स्पेनिश बोली जाती है, हर देश अलग भाषा। वो बड़ा आराम है, और इंग्लिश आँदी भी तभी नहीं बोलते, वो कहते साड़ी भाषा भी जो गल कर दो नहीं तो नहीं कर सकते। मैं पूछा क्यों, कहते जो असं इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी साड़ी मां बोली इतने मर जाए, असं अपनी मां बोली को देखना है। अपने एक कोशिश हुई थी कि असं पता नहीं किन्ने कु गां असं किन्ने एडवांस आ, सानू दो अखर अंग्रेजी के आने शुरू हो गए, असं अपने एडवांस समझते हैं। उन्होंने जगह पर गलेलियो बन के आइंस्टाइन बन के विज्ञानी पैदा हुए, असं उन्होंने तो भी हजारा साल अपने आप एडवांस समझते, अपनी अपनी मां भाषा तो भी असं हाथ धो कहना। खैर साडा एक कैंप लाने का मकसद यही है कि असं इन्होंने बच्चों की मां बोली नाल जुड़ सकिए, मापिया का सत्कार किए करना वो दस सकी, आज जो समाज में पई हुई बीमारियां इन्हों को बचा सकी, सारा फर्ज बनता है। ये जिन्हें भी वीर जोड़े ने तुहाडे सामने इन बच्चों के कैंप आए हैं, ये सारे प्रमुख ज्ञान मिशन कॉलेज तो पड़े हुए हैं, और सारी प्रचार कथा प्रथा नियुक्तियां कर रहे हैं, जिन्हों में तुहाडे नगर के ड्यूटी कर रहे वीर वीरेंद्र सिंह जी, ये ड्यूटी कर रहे हैं लवप्रीत सिंह है, गुरविंदर सिंह ड्यूटी कर रहे हैं, ये वीर थां पर थां बच्चों ने जाके क्लासा लाते हैं। जिमें भैन जी होना ने बेनती की भी अपने इलाके में क्लासा शुरू करो, कि गुरुद्वारे मैनेजमेंट कमेटियां की ड्यूटी बनती है कि यह गुरुद्वार को असं केवल पूजा का स्थान ना रहन देंगे, ये गुरुद्वारे को स्कूल बना के सीखी का इतने क्लासा लगनिया चाहिए ने। इस जगह पर हर आने वाले बच्चे जवान के बुढ़े के बारे इसे गुरसिखी की खुराक होवे, ये बच्चों का दिल गुरुद्वार इस करके नहीं लगता क्योंकि इतने बच्चों के लैवल की कोई गल ही नहीं हो रही हुई, बच्चों के लैवल का कोई सीखिया नहीं जा रहा, बच्चे कहते सू समझ ही कोई नहीं आ रहा, बहना कहते वास्ते वास्ते बच्चों का जरूरी है कि बच्चों की एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखा जाए। एंटरटेनमेंट का ख्याल रखने वास्ते बच्चों के वास्ते एनिमेशन फिल्म ने बच्चों का इतने प्रबंध किया जाए खेडन का, ताकि बच्चे गुरुद्वारा साहब भर्ते हो, जिते बच्चों की एंटरटेनमेंट नहीं हैगी उसे बच्चा मनोरंजन नहीं, तो बच्चा नहीं जा सकता, कभी भी नहीं पहुँचता, बच्चा बोर हो जाता। गुरुद्वारे खिंच के लियाओगे दस प्रशांत, मैं नहीं जाना उसे करना की जाके उसी जब बिठा देना उसे बाबे बोली जाना, सामने समझ कोई नहीं आना, पर जी गल बच्चे समझ आती है बच्चा घंटिया बोली सुनी जाता। कुछ देख लो घर में टीवी ला के बच्चा जो कार्टून सुनता है कार्टून देखता है तो चैनल नहीं चेंज कर देता, घंटिया बोली कार्टून देख लगा क्योंकि वो लैवल नहीं होता, एंटरटेनमेंट है वो मनोरंजन हो गया। वो असी भी गुरुद्वारे बच्चों के लैवल का कुछ करिए, बच्चे जो गुरुद्वारा साहब आते रहन, बच्चे गुरसिखी जुड़े रहन, नहीं तो आप असं अपनी उंगलों के बंदियां उड़ेंगे तो साढ़े ही बच्चे साढ़े हाथों से निकल गए। साडा मकसद है गुरमुख प्रचार केंद्र अपरा का भी इतनी मकसद यही है कि तुहाडा पूरा इलाका जिहड़ा है इस इलाके में कवर किया जाए और सारे साडा सहयोग देना है। सानू कृपा करन दा तहत मैं धन्नवादी हाँ गुरमुख प्रचार केंद्र अपरा दी प्रबंधक कमेटी का, गुरुद्वारा कलगी साहब के जी प्रबंधक कमेटी उनका भी तहत मैं धन्यवादी हाँ, और साढ़े गुरु भुआ जी कम जी अखबार उन्होंने का तहत मैं धन्यवादी हाँ, गुरु ज्ञान मिशन कॉलेज जो सहयोग करके इतने जरा चला रहे हैं केंद्र के नाम बच्चों जोड़ा है बड़े वधिया वधिया
इनाम दिंदे ने कि बच्चे जिहड़ा उन्हां दा बणिया होइआ एड्रेस ते होर भी बच्चों को तुसीं लैके आउणा बच्चे हो अगली बार कोशिश यह करनी तुसीं अपने आंढ गुआंढ में बच्चे इकट्ठे करके लाने हुण समा जिहड़ा दीदी उड़ीक है तुहानू कुछ समा आ गया मैं बेनती करांगा बीबी भैन जी परमजीत कौर होना गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को सारे सही कह रहे हैं असं बच्चों के नाम अनाउंस करने हैं बच्चे जोड़े आ वो इनाम प्राप्त करेंगे जिन्हों जिन्हों बच्चों का नाम लिया जाएगा वो बच्चे जोड़े आ सही ध्यान के अपना इनाम प्राप्त करेंगे और एक गल कह दिया इतने तीन रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं पहला जो रिजल्ट है गुरमुख सिखलाई कैंप के जेडे जे बच्चों ने क्लास कराई से उन्होंने बच्चों का जो टेस्ट लिया गया है उस टेस्ट का रिजल्ट जो सा सामने है उस तो बाद दस्तार सिखलाई कैंप जो आया से वह भी एक रिजल्ट है वो थोड़े सामने लेके आना एक रिजल्ट है जिड़ियाँ किताबा वर्डिया हुई सी उन्होंने स्कूलों में जाके क्लासों में जाके बच्चों को टेस्ट लिया गया है वह भी रिजल्ट साझा करना ताकि बच्चों का हौसला जोड़ा होर बढ़ सके और कोशिश है बच्चों ये कर रही जिन्होंने इनाम नहीं मिले उन्हें गुस्सा नहीं करना वैसे तो मैं पूछा कि बच्चे नाम लैना हथ खड़े करो जो बच्चे नाम लैना बच्चे ब्याह के नाम जो हथ खड़ा करना कि बच्चे नाम चाहिए बाकी भी चाहिए ये तो ज्यादा ने खड़ा कर लिया एक गल हो रहा बच्चे इनाम दिते नहीं जाते होंगे इनाम प्राप्त करने पे असं इनाम किसी को दे नहीं सकते इनाम उसी प्राप्त करते हैं जो तुम कैंप पढ़िया सुनिया सीखिया जो तुम लिखता कोई तो मिलना है।